गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ राशि। सो आज की वीडियो है बेबी प्रोडक्ट्स रिव्यू के बारे में, जिसमें मैं शेयर करूँगी हुपा रिव्यू। एज मेरी बेबी जब बॉर्न हुई थी उसी टाइम पे हमने एक दो दिन के अंदर ये प्रोडक्ट लिया था एंड अभी वो 3 months की हो चुकी है। वी आर स्टिल यूजिंग दिस। तो मैं इसमें बताऊँगी कि ये कितना यूज़फुल है, क्या क्या इसके ड्रॉबैक हैं एंड इसका फीडबैक, जो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से इसमें क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या क्या इसमें पॉजिटिव है। सो उसके अकॉर्डिंग अगर आप भी ये लेने का सोच रहे हैं तो डिसाइड कर सकते हैं अपनी प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग आपको ये लेना चाहिए या नहीं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ये है वो हुपा जिसको हमने बाय किया था अमेजोन से। इसका प्राइस था 1640 रुपीज़ में हमें मिला था। तो अगर मैं इसको दिखाऊं तो यू कैन सी ये ऐसे जैसे हम गोद में लेते हैं ना बेबी को, उसकी शेप में ये बना होता है। इसमें ऊपर ये कुशन की कवरिंग है जो आपको प्रिंटेड पार्ट दिख रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल से कार्टून प्रिंट में। हल्की सी इसमें फॉर्म लगी होती है जो कि बेबी को सॉफ्टनेस देता है। एंड ये यहाँ पीछे ऐसे अटैच होता है, इससे अगर मैं इसको हटा दूँ उसके अंदर निकल के आती है ये सीट। ये थोड़े लाइट वेट गत्ते टाइप की, मतलब आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या मटेरियल है, थोड़ा हार्ड पार्ट है इसका, जिसकी वजह से बेबी की जो बैक होती है ना वो यहाँ से पूरे सपोर्ट में रहती है एंड यहाँ से उसके लोअर जो लेग्स वगैरह आती है वो आती हैं। इसके अलावा इसमें ऐसे क्लोज करने का भी दिया हुआ है, जिसमें यहाँ पर ये दिए हुए हैं इसको चिपकाने के लिए। तो आप ऐसे बेबी को इसमें रख के यहाँ से क्लोज़ कर सकते हैं, तो उसमें उनको ना गिरने का भी डर नहीं रहता। ये होगी इसकी डिटेलिंग के बाद में बात करते हैं इसके पॉजिटिव पॉइंट की, इसके यूजेस की। सबसे पहले जो हम इसको यूज़ करते हैं, जब हम कार से ट्रैवल कर रहे होते हैं, लाइक हम अपने घर जा रहे होते हैं कुछ, तो जब बहुत छोटी बेबी होती है लाइक उसकी गर्दन भी टिकी हुई नहीं होती ना, बैलेंस नहीं होती है, जब बेबी की नेक जो बैलेंस नहीं होती है उस टाइम पर आप उसको झटके लगने का डर होता है कि इसमें वो मेरी गोदी में भी रहती है एंड मैं उसको अच्छे से कैरी कर पाती, प्लस उसकी जो नेक होती है ना वो बैलेंस्ड रहती है। तो फर्स्टली भी जब भी हम लोग घर जाते हैं या फिर कहीं आसपास जाते हैं या फिर हम हॉस्पिटल भी जाते हैं उसके वैक्सीनेशन के लिए या किसी भी काम के लिए, तो उस टाइम पर भी हम उसको इसी में कैरी करते हैं। सेकंड पॉइंट है इसका कि इसके जो पोजीशन है, इसकी बैक जो है उसकी वजह से, जैसे मैंने बताया था, वो स्ट्रेट रहती है। उनकी जो बैकबोन होती है बेबीज़ की बहुत सॉफ्ट होती है, जिसकी वजह से हम उसे लिया था एंड ट्रस्ट मी इसमें बहुत स्ट्रेट रहती है। प्लस बेबीज़ भी इसमें ना कम्फर्टेबल फील करते हैं, वो भी ऐसे, मतलब इफ़ यू आर अ न्यू मॉम तो आपको होता है ना कि आप उसको ले नहीं पा रहे हो ठीक से बहुत टाइम के लिए, वो थोड़े सी अनकॉन्शियस से हो रहे हैं, तो उस टाइम पर उनको कैरी करना बहुत अच्छे से होता है। इसका एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि आप जब बेबीज़ को कोई नया पर्सन आपके घर में आता है, लाइक आपके यंगर ब्रदर, यंगर सिस्टर, फ्रेंड्स, जिनको बेबीज़ को कैरी करना नहीं आता, एंड न्यू बॉर्न बेबीज़ बहुत डेलिकेट होते हैं, उनको किसी को देने में भी डर लगता है, तो उस टाइम पे आप उनको ना इसमें दे सकते हो, तो सबके लिए ईजी हो जाता है कैरी करना। नेक्स्ट पॉइंट था जो मुझे सही नहीं लगा, मतलब जो मैं नहीं कर पाई, दैट इज़ फीडिंग। इसमें इसके एड में दिखाते, मैंने कई जगह पर देखा था, इसके एडवर्टीजमेंट्स में दिखाते हैं कि आप इसमें रख के बेबीज़ को फीड करा सकते हैं। आई ट्राइड अलॉट बट वो मुझसे नहीं हुआ। मेरे स्टिचेस थे जिसकी वजह से इसका ये वाला पार्ट है, अगर मैं ऐसे रखती थी तो वो मुझे वहाँ लगता था। सेकेंड चीज़ इसका जो मुझे नहीं लगा कि अगर थोड़ी बड़ी हो गई, मैंने उसके स्टिचेस वाले टाइम के बाद में ध्यान दिया अगर मैं उसको फीड करने के लिए, तो आई वाज नॉट कंफर्टेबल इसके साथ बेबी को फीड कराना, मतलब मैं डायरेक्टली फीड कराना प्रेफर करती हूँ रेदर देन दिस। तो ये मेरे लिए बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था कि इसमें बेबी को लिटा के फीड कराना। आप बॉटल के थ्रू इसमें लिटा के करा सकते हो, बट इफ़ वी टॉक अबाउट द ब्रेस्ट फीडिंग, वो इसमें लिटा के मेरे लिए पॉसिबल नहीं हुआ। एंड एक सेकेंड ड्रॉबैक इसका जो मुझे लगा वो ये है कि जब बेबी छोटा होता है ना, 1 महीने, 1.5 महीने, 1.5 महीने, अप टू 2 months यू कैन मैक्स, तब तक उसका वेट बहुत हल्का होता है, लाइक 4-4.5 kgs के आसपास का उसका वेट होता है, 5 kgs तक होता है, तो वो उसमें कैरी करना इजी होता है। लेकिन जब वो 3 months की हो गई है, 2.5 months से, वो मैंने ऐसा फील किया कि वो उसमें ना कैरी करते हुए बहुत हैवी हो जाती है, मतलब इसका वेट प्लस उसको नॉर्मली कैरी करना लाइट वेट लगता है, लेकिन इसके साथ कैरी करने में थोड़ा ज़्यादा वेट लगता है। तो ये चीज़ जो थी जो मुझे इसकी थोड़ी नेगेटिव में जा रही है, उसकी जैसे जैसे वेट बढ़ रहा है, उसकी एज बढ़ रही है। लेकिन अगर मैं इसके यूज़ टाइम पीरियड की बात करूँ, तो इसको न्यू बॉर्न बेबी से लेके आप मैक्स टू मैक्स 4 months तक इसको यूज़ कर सकते हैं, उसका बेबी आपका बड़ा हो जाएगा, वो उसमें नहीं आएगा। रेस्ट बेबीज़ की हाइट पर भी डिपेंड करता है एंड उनके वेट पर भी डिपेंड करता है। एज अ न्यू पेरेंट आपका जो मन का डर होता है ना कि कोई बेबी को हार्म ना कर दे, उसकी नेक में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, उसकी बैक में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, तो वो सब इसमें काफ़ी सॉर्ट हो जाती है। मतलब हमने नॉर्मली कोई भी आता है ना, हम सबसे पहले उसको इसी में रख के उसमें बंद करके ही उसे देते हैं। नाउ मैंने शेयर कर दिया अपने सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक जो
मुझे इसमें लगे, जो मुझे इसमें फ़ायदा लगा एंड जो मुझे इसमें नुकसान लगा. नाउ इट्स अप टू यू. अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप ये सारी चीज़ें कंसीडर कर सकते हैं एंड डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. और अगर आपको वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आगे की वीडियोज़ के लिए एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए. सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.